मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी होती और मुझे बाबा कहती, अपनी जिदें अपनी ख्वाहिशात मनवाती मुझसे। शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया। तुम वापस अंदर कैसे आ गई हो? हाँ, घबरा क्यों गई हो? कोई चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी? जहां रहा, काम डाउन, क्या हो गया तुम्हें? ये आप मुझसे पूछ रहे? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आधी रात को यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चाय पार्टी क्या चल रही है यहाँ पे? चाय पीने को दिल चाह रहा था, उसने चाय बनाई है, हम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, और ये मेरे इलाके से है तो मुझे इससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ये डिस्कशन खत्म हो गई हो तो चले क्या? और तुम ये बर्तन पकड़ो, किचन में जाओ और आउट, क्वार्टर में जाओ। ये चाय आप खुद भी बना सकते थे, लेकिन अगर मेट से ही बनवानी थी तो यहां बैठ के गप्पे लगाने की क्या जरूरत, सर चढ़ जाएगी। ए दुआ, आ जाओ। आप कहीं जा रहे हैं बाबा? क्या कहा तुमने, एक बार फिर बोलना। आप कहीं जा रहे हैं? आगे बाबा। बेटा तुमने मुझे खुश कर दिया, सीरियसली। अब कम से कम मरने के बाद मैं हफीज को कह सकूंगा कि दुआ सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है, तुम अकेले जन्नती नहीं हो। लेकिन बाबा कुछ नामुकम्मल है। ठीक नहीं लग रहा? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बस एक मिनट, मैं अभी आई। बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब लग रहे हैं ना एकदम हीरो। तुम्हें पता है जब मैं हैदराबाद में तैयार होकर निकलता था तो लोग क्या कहते थे? क्या? वो देखो हीरो आ रहा है। क्या खूबसूरत दिन हुआ करते थे। आपको एक दिन हैदराबाद जरूर जाना चाहिए, अबू से मिलने। हिम्मत नहीं होती। मैं लेकर चलूंगी आपको, अबू से कहूंगी कि देखें अबू, मैं आपसे मिलवाने आपके बेस्ट फ्रेंड को लेकर आई। अबू बहुत खुश हो जाएंगे। क्या सब मुझे माफ कर पाएंगे? बिल्कुल, आपको अपने बड़ों की कब्र पर हाजिरी जरूर देना चाहिए, उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि अगर कोई हमें इस दुनिया में छोड़कर चला जाए या हमसे बिछड़ जाए तो हम उसके लिए साले सवाब कर सकते हैं। बेटा तुम्हारे घर में आने से ना मेरे लिए खैर सवाब हो गया, मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। चलेंगे हैदराबाद, चलेंगे एक दिन, और वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होगा। वैसे आज भी किसी हीरो से कम नहीं हूं। आओ चलें। हीरो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, ये चाय लेकर आई थी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? न्याजी की तरफ। इतना तैयार हो के? अरे यार ये बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे मुझे कहा कि आप कोई कोट पहन कर जाएं, अच्छा सा निकाल के दिया, मैंने पहन लिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। राइट, आजकल ये लड़की इनके सर पर ज्यादा सवार नहीं रहने लगी, छोटी छोटी बातों पे भी इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। देखिए दुआ और अजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।